देखिए, पहले तो चुनाव की बात करूं क्योंकि मैंने खुद मैं प्रचार में गया हूं और विश्वास है पूरा, मेहनत हम सब ने की है और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार 11 तारीख को जब परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग 11 तारीख को परिणामों के बाद सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक रही बात शाहीन बाग की, ये विषय ही क्यों उठ रहा है और इतनी देर से इतना लंबा प्रदर्शन चल ही क्यों रहा है, उस दिन मैंने संसद में ही मैंने यही बात बोली अपना वक्तव्य रखते हुए प्रधान राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, कि कोई कारण ही नहीं है ये प्रदर्शन करने का। जिन विषयों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो विषय है ही नहीं। निरंतर CA को लेकर प्रधानमंत्री जी, तमाम सारे नेता इस पर क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनने वाली, भारत के किसी भी निवासी को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इन एंटीसिपेशन जिस तरीके से कि NRC आएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, उसको लेकर अभी से जिस तरीके से ये सब माहौल बना हुआ है, ये मेरी समझ के परे। बट बहरहाल विपक्ष की कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है, जिस तरीके से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े मुद्दे उनके हाथ से निकल गए। 35A ही नहीं रहा, 370 नहीं रहा, राम मंदिर का कोई विषय नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है कि इस तरीके से जनता को भ्रमित करके शाहीन बाग का एक मुद्दा बनाया गया है नहीं ये। बट आज दिल्ली के चुनाव खत्म हुए हैं, मुझे लगता है इसी के साथ धीरे धीरे ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। कल तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर बिहार को बजट में क्या मिला है, इसको मिला क्यों, नीतीश कुमार तारीफ कर रहे हैं बजट का। देखिए तेजस्वी, खैर जिस परिवार से आते हैं उनके घर में मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे था कि शायद उनको जानकारी होगी, बिहार का एक अपना भी बजट होता है और केंद्र सरकार से जब जब बिहार को जितनी भी ज़रूरत पड़ी है वो केंद्र सरकार ने हमेशा दी है। जब देश का बजट आता है, जनरल बजट होता है, पूरे देश भर के लिए होता है, राज्य स्पेसिफिक बजट नहीं होता है। बट हाँ, इतना ज़रूर विश्वास है जो हमारे मुख्यमंत्री को भी है और मुझे भी है कि केंद्र से बिहार को जिस जिस चीज़ के लिए जो जो आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी वो निरंतर मिलेगी।